और वही ही दिन यानी कि इतवार की शाम भगत यीशु का चेला एक कमरा में छा और यहूदियों की डोरा का बाना ऊन द्वार बंद कार्यालय छा, तब अरे यीशु ऊँ का बीच में ऐके खड़ हुए गे और ऊँ को बोली, तुम ते शांति मिलू। और इन बोना का बाद वेन ऊते अपना हथ और पणखों की दिखाए, तब चेला प्रभु ते पछाने के बहुत खुश हुए गेन। और यीशु ने ऊको फिर से बोली, तुम ते शांति मिलो, और जन पिता ने मीते भेजी तनी मी भी तुम ते भेज दू छो। इन बोली के वेन ऊ पर सांस फूकी और ऊको बोली, पवित्र आत्मा ते स्वीकार करा और जो का पाप तुम माफ कर लिया ऊ ते माफी दिए जाली, और जो का पाप तुम माफ नहीं कर लिया ऊ का पाप माफ नहीं करे जाला। और जबर यीशु उख ऐ छो तो वे भगत यीशु का बारह चेलों में बटी थोमा जैकु जौलिया भी बुलदन वो ऊँ का दगड़ा मानी छो। इले दूसरा चेलो ने वे बटी बोली, हम उन तो प्रभु ते देखी, पर थोमन ऊँखण बोली, जबर तक मी वे का हाथों पर किलियों का निशान नहीं देख दियूं और किलियों का ऊँ छेदों का भीतर अपनो अंगुली नहीं डाल दियूं और वे की पणखों की पर अपनो हाथ नहीं डाल दियूं, तब अरे तक मैं विश्वास नहीं कर सकदू। एक हफ्ता बाद यीशु का चेला फिर से घर का भीतर छा और अबारी दो थोमा भी उनका दगड़ा माछो और घर का द्वार बंद छा, तभी भी यीशु भीतर आ गए और उनका बीच में खड़ू होके बोली, तुम ते शांति मिलो। तब वेन वे को बोली, थोमा अपना अंगुला ते इन्हें लेके मेरा हाथों में डाली के देख और अपना हाथों ते बढ़े के मेरी पणकोखी में डाल और सकी ना पर विश्वासी बन। तब थोमन वे को बोली, मेरा प्रभु मेरा परमेश्वर। यीशु वे को बोली, क्या तू इले विश्वास कनी कि ले कितन मीते देखा ली, पर धन्य छिन वो लोग जो बिन दिखा विश्वास कर दिन। और ये सुनत और भी बहुत सारा चमत्कारी काम अपना चेलों का सामने करीनी, पर वो सब ई किताब मनी लिखा छिन। पर जो कुछ भी या मैं लिखियो छे वो इले लिखियो छे ताकि तुम विश्वास कर सका कि यीशु ही परमेश्वर को पुत्र मसीह छे, और इन बात पर विश्वास करके तुम वे कनों से सदा निको जीवन पा सका।